हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन को देखेंगे और केसी सिन्हा सर में जो प्रॉब्लम है 4.1 में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से पूरा इस वीडियो को देखें और अगर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप आईटीएफ का कॉन्सेप्ट वाला थ्योरी वाला जो पार्ट है उस वीडियो को पहले देख लें तो फिर समझने में आपको आसानी होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला वो क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स √3/2। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन वाला पूछा है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो हम पूरे इन्वर्स को दो ग्रुप में बांटे हैं। पहले ग्रुप में रखे हैं साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स को। और सर यहाँ पे प्रॉब्लम तो है नहीं, प्रॉब्लम मतलब निगेटिव, निगेटिव तो है नहीं, तो √3/2 साइन में कहाँ मिलेगा, तो π/3 पे। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो आप π/3 लिख दिए। इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स −1/√3। अब देखिए ये माइनस जो है ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये ग्रुप वन का है, तो ग्रुप वन में माइनस बाहर आता है। पहला काम निगेटिव से मुक्ति, माइनस से मुक्ति, तो ये माइनस को क्या किया, बाहर कर दिया। टेन इनवर्स 1/√3 क्यों किया बाहर, क्योंकि ये ग्रुप वन का है और ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का नेचर होता है माइनस को वो बाहर करता है, तो माइनस बाहर चला गया। तो ये माइनस, ये वाला माइनस है तो माइनस, और 1/√3, 1/√3 मिलता है π/6 पे। तो पहला काम क्या सीखे, निगेटिव से मुक्ति, माइनस मतलब प्रॉब्लम। इस जगह पे, इस ब्रैकेट में अगर माइनस है तो वो प्रॉब्लम में है, तो प्रॉब्लम से पहले मुक्ति आपको करना है। तीसरा, तीसरा है कॉट इनवर्स −√3। तो कॉट इनवर्स −√3 में सर ये क्या है, प्रॉब्लम है। हाँ ये प्रॉब्लम है, और ये किस ग्रुप का है, ग्रुप टू का है, ग्रुप टू का है। तो ग्रुप टू में राज की बात होती है, पहले पाई तब माइनस बाहर, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस ये √3 मिलता है π/6 पे। एलसीएम ले लेंगे तो 6 ऊपर में आ जाएगा, 5π/6। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फोर्थ नंबर, ये क्वेश्चन है कॉट इनवर्स, कॉट 5π/4। तो सर एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, एक प्रॉपर्टी हम लोग ये जानते हैं, इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि अगर कॉट इनवर्स ये बाहर में इनवर्स है और अंदर में नॉर्मल है, लेकिन यहाँ भी कॉट है और यहाँ भी कॉट है, तो होता है ये डब्बा। लेकिन लेकिन दोनों अगर सेम सेम है तो डब्बा होता है, लेकिन लेकिन लोचा है सर, ये जो डब्बा है वो 180 से छोटा होना चाहिए, डब्बा 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है, मान के चलिए अगर ऐसा रहता, ऐसा रहता कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स कॉट 120 डिग्री, तो झट से बोल देते आंसर होगा 120, मतलब 2π/3। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स कॉट
225 डिग्री। तो अगर आप 225 लिखते हैं तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो गया। तो ध्यान रखना है डब्बा जो है वो 180 से छोटा होना चाहिए। सर कहाँ है ही नहीं। अगर 180 से छोटा नहीं है तो एक काम करें आप, इसको आप 90 से छोटा बना लें। 90 से छोटा बनाना है, मतलब साफ है कि अगर एंगल जो है, अगर एंगल 180 से बड़ा चला गया तो हमको 90 से छोटा बनाना है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉट इन्वर्स, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कॉट 5π/4। तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स कॉट पाई प्लस पाई बाई फोर, कितना हो जाएगा कॉट इन्वर्स पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरा घर में, तो तीसरा घर में कॉट पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई फोर। अब देखिए ये जो एंगल है ये 90 से छोटा बन चुका है, आंसर कितना होगा पाई बाई फोर, यानी आंसर हो गया आपका पाई बाई फोर आपका आंसर हो गया। तो ध्यान रखना है अगर एंगल 180 से अधिक हो गया तो 90 से छोटा बनाना है। चलिए उसके बाद पांचवा में आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स 3π/4। आप तो बोलिएगा सर ये जो एंगल है ये 135 है क्या, तो क्या 135 लिख दें, ये तो 180 से छोटा है सर, गलत हो जाएगा। अरे भैया ये आपका ग्रुप वन का है, इसे समझ में नहीं आ रहा है ग्रुप वन और ग्रुप टू। अगर ग्रुप वन का है, अब देखिए ग्रुप वन में क्या है, कौन कौन आता है, तो ग्रुप वन में आता है टेन इन्वर्स, साइन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स। अगर ग्रुप वन का है यहाँ पे, तो ये जो एंगल है ये आपका 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, ग्रुप वन बोला। अगर 90 से बड़ा है तो आप 90 से छोटा बना लें। अगर मान लेते हैं ग्रुप टू रहता, मान ली ग्रुप टू में कौन कौन है, कॉस इन्वर्स है, सेक इन्वर्स है और आपका कॉट इन्वर्स है। अगर ग्रुप टू रहता, जैसे मान के चलिए ऐसा रहता कॉस इन्वर्स कॉस डब्बा, तो ये एंगल 180 से छोटा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा अगर 180 से छोटा है तो आप आंसर लिख दें, अगर 180 से बड़ा है तो, 180 से बड़ा है तो 90 से छोटा बनाएंगे, और ये 90 से बड़ा है तो 90 से छोटा बनाएंगे। तो अब काम क्या कर लें हम लोग, क्वेश्चन में लिख लेते हैं टेन इन्वर्स 3π/4 है, तो अब इस एंगल को 90 से छोटा बनाना है। तो काम ये कर लेते हैं टेन इन्वर्स 10 π माइनस π/4, तो हो जाएगा टेन इन्वर्स 10π/4। ये 10 और ये π/4, क्योंकि ये जो एंगल है वो दूसरे घर का है इसीलिए यहाँ माइनस लगेगा। अब ये टेन इन्वर्स को जैसे ही माइनस दिखाई दिया, ये माइनस को उठा के कहाँ फेंक दिया, बाहर, पहला ग्रुप वाला माइनस को उठा के बाहर फेंक देता है, तो क्या हो जाएगा 10π/4। अब ये 10 इन्वर्स और 10π/4 घर चला गया, क्या बचा -π/4, ये क्वेश्चन आपका बन गया। उसके बाद है आपका सिक्स नंबर में क्या है कि ऐसा दिया हुआ है आर्क साइन 1/2 प्लस
आर्क कॉस 1/2। पहले इनवर्स को आर्क भी लिखा जाता था। तो आर्क साइन 1/2 का मतलब होता है साइन इनवर्स 1/2, और इसका मतलब होता है कॉस इनवर्स 1/2। तो सर 1/2 कब मिलता है साइन में, तो π/6 पे, और कॉस में 1/2 कब मिलता है, तो π/3 पे। तो ये आंसर हो गया π/2। छठा बन गया आपका। सातवां में क्या है, tan इनवर्स 7π/6, ये किस ग्रुप का है, तो ग्रुप 1 का है। क्या होना चाहिए इसको, 90 से छोटा होता तो आंसर वही होता। ये 90 से बड़ा है, तो काम क्या करेंगे, 90 से छोटा बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, एलाइड एंगल जानना बहुत ज़रूरी है। एलाइड एंगल पे भी एक वीडियो हम बना देंगे, एलाइड एंगल। तो टेन इनवर्स, पहला काम ये करना है कि एंगल को आपको 90 से छोटा बनाना है। तो कैसे बनाया जाए, तो टेन हो गया आपका, और यहाँ पे हो गया π + π/6। तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा tan π/6, क्योंकि ये एंगल तीसरा घर का है तो प्लस होगा, तो ये दोनों घर चला गया। आंसर कितना, π/6। 7 के बाद आ जाइए 8 पे। 8 कितना, तो cos 13π/6 है। एंगल जो है वो 180 से बड़ा है, क्योंकि ग्रुप 2 का है तो 180 से बड़ा है, तो 90 से छोटा बनाना था, तो 180 से तो बड़ा है ही। तो 90 से छोटा बनाने के लिए cos क्या लिख दें, 2π + π/6। 6 का टेबल पढ़ना होता है, नीचे वाले का टेबल पढ़ना होता है। तो cos इनवर्स, यही सब टेक्निक आपको बताया जाएगा ध्रुव मैथमेटिक्स में, कि कैसे आसानी से क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूला के, अब लोग याद करते हैं कि कॉस इसको कैसे बदलें, वो सब याद नहीं करना है, नीचे वाले का टेबल पढ़िए, काम बन जाएगा। जो नज़दीक स्टेशन है उसके पास चले जाइए। तो सर ये वाला जो एंगल है ये पहला घर का एंगल है, तो ये दोनों घर चला गया, आंसर कितना हुआ, π/6। 9 नंबर में क्या है, साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो ये पहला ग्रुप का है, तो 90 से बड़ा है, ये 90 से बड़ा है, तो इसको छोटा बना लेते हैं। तो साइन इनवर्स क्या लिखें, साइन π - 2π/5। तो साइन इनवर्स साइन 2π/5, ये घर चला गया 2π/5। ठीक है, टाइप